इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुल्ला बरादर तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इस बीच गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सलहे ने तालिबान को डायरेक्ट चुनौती दी है। सलहे ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। उन्होंने तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भी भरी है। सलहे ने ट्वीट कर कहा कि मैं मुल्क के भीतर ही हूँ और कानूनी तौर पर मैं ही राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की इजाजत देता है। सलहे ने दावा किया कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते शिकंजे पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल अफगानिस्तान पर भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आने वाली तालिबानी हुकूमत के रवैये पर नजर रखी जा रही है। नई सरकार के गठन पर पैनी निगाह है। दूसरे लोकतांत्रिक देशों के रिएक्शन पर भी नजर है। भारत सबसे पहले और सबसे अंत में रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खतरे पर भी भारत की नजर है। अफगानिस्तान के रेडिकल स्टेट बनने का खतरा भी है और इन सब के बीच अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को एक्सपोज करना भी जरूरी है। लिहाजा अफगानिस्तान में ISI के रोल पर भी निगाह है, क्योंकि ISI कमजोर तालिबान का फायदा उठाने की फिराक में है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।